नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार राइट और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अध्याचनकर्ता विभाग के चयनित संस्तुत कुल 1334 अभ्यर्थियों, अवर अभियंता, संगणक एवं फॉरमैन को लोक भवन स्थित सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित लघु फिल्म में दिखाई गई लोक भवन लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण तथा संबोधन का सजीव प्रसारण हुआ, जिसे कलेक्ट्रेट सभागार में देखा व सुना गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद के चयनित अभ्यर्थियों तथा वीरेंद्र सिंह, प्रशांत दुबे, हिमांशु दिवाकर को आगरा विकास प्राधिकरण में अवर अभियंता तथा शुभम शिवहरे को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में अवर अभियंता व मोहित कुमार को नगर निकाय निदेशालय में अवर अभियंता के पद हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज भारत सरकार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, माननीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जीएस धर्मेश बाबूलाल, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे के कर कमलों द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन लखनऊ से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से चयनित 1300 से ऊपर अभ्यर्थियों को जो अनुसार विभाग में नौकरी लगी है उनको प्रमाण पत्र देने का काम किया। जो जो अभ्यर्थी जिन जिन जनपदों से थे उनको उनके जनपद में माननीय हमारे सभी जनपद प्रतिनिधि को प्रशासनिक में अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। मैं सारे चयनित लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं, लेकिन एक अंतर महसूस करना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली लोग हैं जो उस कालखंड में आपने परीक्षा दी है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है यहाँ या केंद्र मोदी जी की। मैं अपने राजनीतिक जीवन में सबसे जैसे कोई कहा जाए कि नंबर एक काम किसको मानते हो, कुछ लोग चांद पे जाना कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा सभी नॉन डिस्ट्रिक्ट नौकरियों में साक्षात्कार को समाप्त करना दिल्ली में और केंद्र की सरकार में राज्य को, मैं ऐसे नंबर वन मानता हूँ। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए होते थे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बता दे और नहीं लेना है तो चकोसला भेज दो। और जब तक इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी आप माननीय अदालत में भी नहीं जा सकते हैं। अखिलेश यादव की सभी परीक्षाएं लगभग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए गई कि रोल नंबर के ऊपर सफ़ेदा लगा दिया जाता था। तो नॉन रजिस्टर्ड नौकरियों की संख्या जैसे जिलाधिकारी एक हैं और लेखपालों की संख्या यहाँ सैकड़ों होती है। SSP एक होता है, सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल ज़्यादा होते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ कि नॉन गेस्टेड नौकरियाँ 100 गुनी होती हैं गेस्टेड से, और उनमें इंटरव्यू समाप्त करना इस शताब्दी का सबसे बड़ा काम है। तो जितने लोग आज आगरा के तार पर अच्छे चयनित हुए विकास प्राधिकरण में या आवास विकास में, इनको एक रुपया नहीं लगाया। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहूँगा जो मैं अभी माननीय विधायक जी को जिलाधिकारी को बताया, इसी एग्जाम के एडमिशन कार्ड मेरे इसमें डला है, एडमिशन कार्ड इसी का कहा कि इस तारीख को इतने बजे यहाँ एग्जाम में कुछ करा सकते हैं क्या। मैंने जवाब भी पढ़ाया, मैंने लिखा इस प्रकार की अभ्यर्थी से बात करना, किसी को फॉरवर्ड करना, तो किसी को प्रभावित करना ये अपराध की श्रेणी माना है। ये एग्जाम फाइनेस्ट एग्जाम टोटल ट्रांसपेरेंसी, ये मेरे पे अभी तक रिकॉर्ड है। और अगर कोई बेईमान नेता होता तो उससे पैसे ले लेता, चयन हो जाता तो पूरा रख लेता, नहीं होता तो नहीं लौटाता या किस्तों में लौटाता। तो कहने का मतलब है आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 100% ट्रांसपेरेंसी से उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ लग रही हैं और मूर्ख लोग जब तक रहेंगे बुद्धिमान लोग राज करेंगे। जिसने पैसा देना तय कर लिया है घूम रहे, ऐसे अभ्यर्थी होते वही हैं जिनको अपनी रिटर्न पर भरोसा नहीं होता, फिर भी ठग लिया होगा दलालों ने। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के चयन बोर्ड का, क्योंकि कंप्यूटर ने कॉपी जांची है, इनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। और नौकरी क्या है, जूनियर इंजीनियर, एक दिन ये एक्सियन बनेंगे। इतनी अच्छी नौकरी बिना साक्षात्कार के मिल रही है, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर, क्योंकि इंटरव्यू में चाहो तो 90 दे दो, चाहो तो 60 दे दो, लेकिन लिखित वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, क्वेश्चन नंबर एक, चार आंसर, सही आंसर पूरा नंबर, गलत आंसर जीरो नंबर, पूरे जीरो पूरे जीरो। अब एग्जामिनर का विवेक इस्तेमाल नहीं करता। तो आप भाग्यशाली लोग हैं जो इस कालखंड में रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं जिसमें पूरी पारदर्शिता से ये एग्जाम हुई है।
और 20 साल पुराने जेई अपने आप से पूछें उनका चयन कैसे हुआ था। इसलिए जो नए लोग आ रहे हैं वो योग कर्मठ तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन वो योग्य जरूर है। मैं ईमानदार भी नहीं कह पाऊँगा, लेकिन वो आए तो मेरे से उनको धन्यवाद देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार का कि यदि वो 10 साल पहले उन्होंने फॉर्म भरा होता तो ये अपॉइंटमेंट लेटर शायद ही उनको मिलता, क्योंकि भर्ती